करना चाहिए। जैसा आना चाहिए ऐसे आना चाहिए, ये जो है ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर आना, ये ऊपर आना, जैसा ये वाला जो है 20 में लगा है, ये टेलीस्कोपिक है। ये दोनों ट्रांसमीटर आए दोनों ट्रांसमीटर में, दोनों रिसीवर में, अरे सर ठीक है, उसका अंदर जितने चाहिए आपको उसके हिसाब से ऊपर पूरा ऊपर रहे ना, जैसे भी रहने का कोई कोई बात नहीं, ये दो ही चुप, ये दो बराबर रहने। ओके, इसके जो पीछे जो हैंडल जो है ना उसको किसी नट के हिसाब से बराबर लगा देना, ठीक है, बस उतना ही। इसमें ग्राउंड वाटर, नेचुरल वाटर, सलाइन वाटर, हम नॉर्मली ग्राउंड वाटर बोलते खेत में, खेत और घर का तो ग्राउंड वाटर है, तो जो नेचुरल वाटर एकदम रेगिस्तान कहते हैं ना, डेसर्ट एरिया, डेसर्ट उसी एरिया का नेचुरल वाटर है। सलाइनिटी एकदम जो समुद्र के आस पास में जिसको जो उसको निकालने का जो नलकिल का पानी उसके हिसाब से करने के लिए सलाइनिटी हमारे ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा चलता है, ग्राउंड वाटर सेलेक्ट करने का मीटर जो है कम से कम आप 25 जाएगा तो 25 तक आप जा सकते हैं, ओके 25 के नीचे नहीं जा सकते। इसमें आर एक भी है, आप मोबाइल से भी इसको ठीक है कनेक्ट करना, कनेक्ट हो गया, नो इंटरनेट बता रहा है, चलता है ठीक है। अगर एप्लीकेशन इधर ही आपको है ठीक है, इसको क्या है अप करेगा तो अप हो जाएगा, अप होता, ओके ठीक है। अब जितना करने का है अभी 150 तक आ गया, इसको मैंने एंटर दे रहा हूँ, एंटर देगा तो मशीन चालू हो गया, यहाँ पे एक वाइब्रेशन दो रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेशन कंटिन्यू तो रहता है, जिसे हाथ में लगाना तो एक बार बराबर होते छोड़ देने का, जहाँ पर मशीन रुक जाती है उधर उसके हिसाब से जाना पड़ता ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे करने का, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा करने का तो तरीका बताती है किधर जाने का और किधर ही बता रही है, रुक गया फिर इसको सीधा जाता है, हर कोने में चेक करना पड़ता है। पहले मैंने उधर से भी आके आप चेक करा सकते, ठीक है,
अगर आप इतना तक आप जा सकते हैं अपने लिए ठीक है। अब इसके बाद नॉर्थ हो गया साउथ हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अभी जा सकता है अभी गाड़ी है जा नहीं पा रहा अभी ये होने के बाद चारों तरफ से चुना दूसरा नॉर्थ ईस्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक मिनट पकड़ लेता हूँ उसके बाद छोड़ देता हूँ ठीक है ओके प्रेस करेगा तो अपने जो सोर्स वन सोर्स टू कितना यील्डिंग निकल सकता है ये सब इसमें आ जाती है। अभी इसके बाद आपको मोबाइल से रिपोर्ट लेना पड़ता है इसको जो है प्रेस कीजिए रोटेट अराउंड है ना ये आ जाती है ओके ठीक है। अभी क्लाइंट का नाम डाल दीजिए क्लाइंट का नाम डाल दीजिए हमारा नाम हाँ राजू के राजू में कम से कम एक एरिया में 10 पॉइंट भी चेक करा सकते हो ओके उसको कैसे आप वो 1, 2, 3 ऐसे ऐसे दोनों होता है ओके राजू हो गया पॉइंट समझाने के लिए ओके कुछ 5 बोल के डाल देने का कुछ ना कुछ नंबर पर नंबर इसके बाद सेव करने का डेटा डेटा सेव हाँ यहाँ पे आ जाती है डेटा इंसर्ट हो गया इंसर्ट हो गया हाँ अभी वाईफाई बंद करने का इंटरनेट चालू करने का इंटरनेट चालू है चालू है अभी आप 3 बार प्रेस कीजिए अभी बैकअप फाइल रहता बैकअप यहाँ पे आ गया कौन सा तारीख में कौन सा टाइम पे किया है ये सब आ गया इसको प्रेस कीजिए ये सब है अभी इसको जिस सैटेलाइट को भेजने का है जो रेड बटन है ना वो इसको प्रेस कर लेते तब तक ये आएगा तब तक ग्रीन दबाने का नहीं रिपोर्ट फाइल रेडी है अभी डाउनलोड है डाउनलोड हाँ यहाँ पे हो गया डाउनलोड कम्प्लीट है उसको ओपन किया अभी मशीन का कनेक्शन ज़रूरत नहीं बंद कर ले अब बंद कर सकते ठीक है ना डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड होने के बाद ओके अभी आपको मोबाइल पे खोलना नहीं आप इसमें जाए फाइल मैनेजर किसमें फाइल मैनेजर मोबाइल का फाइल मैनेजर रहता है ना जी फाइल्स यहाँ पे है राजू यहाँ पे आगे राजू का फाइल वो जो है कंप्लीट पीडीएफ है ठीक है एक हमें 3D है ये 3D प्रोफाइल है सरफेस के हिसाब से ये साउथ तरफ का एक नंबर जो है इसी तरफ का सॉरी जो 7 नंबर जो है उसी तरफ का ओके जो प्लाटिंग जो रहती है साउथ से लेकर नॉर्थ तक रहती है नॉर्थ ठीक है ये 4 जो पॉइंट जो रहती है ना मशीन अपने के कहाँ पे रोटेट हुआ वही पॉइंट है कौन सा 4 पे चार पे बीच हाँ ये 3, 2, 1 वो है इसका साउथ तरफ का ओके 4, 5, 6, 7 वो है नॉर्थ तरफ का नॉर्थ तरफ का ठीक है ये है अपना डेप्थ है हमने क्या है 150 मीटर के हिसाब से हमने चेक कर लिया है तो क्या है इसमें मीटर के हिसाब से अपने को दिखाई जाती है ठीक है 0, 25, 50, 75, 100 अभी ये क्या अपने ये है ये 2D व्यू है ऊपर की है ऊपर ये क्या अपने क्या है इधर बारिश का मौसम है क्या है पूरा ये
पूरा ऊपर ही दिख रहा है। अभी आपने क्या है यहाँ पे चेक करने का, चार नंबर पे मशीन कहाँ पे रोटेट हुआ है, चार नंबर वही है अपने की एकदम बराबर है, इधर ही आया हुआ है सर 120 और 140 के बीच में अपने की मिला है डेप्थ में, और 100 मीटर में भी थोड़ा नजर है ऊपर, थोड़ा दिखा रही है। ये ब्लू कलर शेड बोलेगा तो एकदम वाटर नहीं है, जो क्या कहते हैं उसको मशीन क्या पकड़ती है, जो ब्लू कलर शेड और रेड कलर शेड वो रॉक सरफेस जो पकड़ती है रॉक के हिसाब से। हर रॉक क्या क्या कहते हैं जो कैपेसिटी रहती है उसके हिसाब से ये दिखाई जाती है। यही ना पानी पानी डायरेक्ट नहीं पकड़ता है, पर ये पत्थर जो है पानी होल्डिंग पावर जो पत्थर जो रहते हैं ना वही है, डायरेक्ट पानी कोई भी मशीन नहीं पकड़ सकती। ओके ठीक है ना, ये ब्लू कलर शर्ट जो है ये पत्थर को पानी पकड़ने का रखने का जो चांसेस है बहुत है। ओके जब भी बारिश गिरता है जब भी ये क्या है पत्थर रिचार्ज हो जाते हैं, हर बार रिचार्ज होने के तरीके से वो रहती है। ठीक है ब्लू कलर का, हाँ ब्लू कलर का परमेबल रॉक कहते हैं इसको, वो वाटर पकड़ लेते हैं, वाटर पकड़ लेते हैं वो जो पानी जो है या पत्थर डालना क्या ड्रिलिंग करवा दे चार पे ड्रिलिंग करवाना के, अगर चार पे नहीं ये ऊपर भी देखने का ऊपर जो है ये जो हार्ड रॉक के हिसाब से दिखाई जाती है, ये मिट्टी और पानी के हिसाब से ये दिखाई जाती है। अगर जिधर आपको आसानी से ड्रिल कर सकते हो चार नंबर पे पांच नंबर पे इधर उधर तो कर सकते हो आप। ठीक है जिधर आपको पत्थर कम रहता है उधर आपको ब्लू कलर शेड के हिसाब से आप करा सकते हो। ये हार्ड पत्थर है, हार्ड पत्थर एकदम हार्ड पत्थर है। ओके अब यहाँ से उतरना पड़ेगा हम, हाँ वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर ही थोड़ा है और बीच में थोड़ा है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो पांच नंबर पे भी, पांच नंबर बोला जाए तो इधर थोड़ा उसी तरफ भी कर सकते हो। ये चार नंबर है तरफ का, बाकी जो नॉर्थ तरफ का चार से इसके बाद नॉर्थ तरफ का, अगर आप इधर करना है इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। ठीक है ये हो गया, ये लैट लॉन्ग प्रोफाइल है ये गूगल में डाला गया, कौन सा ये लैट लॉन्ग कहते हैं गूगल में जाके 87 पॉइंट और 13.12.7 पे डाला जाता है, इसी क्वेश्चन के ऊपर लेके आ जाते हैं। ये तो इधर ही बता रहा है, ये लैट लॉन्ग प्रोफाइल कहते हैं, ये जो है डेप्थ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अपना फ्रीक्वेंसी जो है लो फ्रीक्वेंसी भी है हाई फ्रीक्वेंसी भी है, लो फ्रीक्वेंसी एकदम नीचे इसमें पैरामीटर हमने आपको बताया था ना पैरामीटर, ये ऊपर जो है ब्लू कलर शेड होना चाहिए और इसमें ग्रीन एच भी होना चाहिए, बाकी डेटा जो है इधर ही। कस्टमर का नाम क्या है, सर्वेयर का नाम, उसका लैट लॉन्ग प्रोफाइल, सरफेस टाइप, पहला सोर्स कहाँ पे मिल सकता है मीटर में 92.5, दूसरा 120, तीसरा 158, मैक्सिमम आपको 170 तक 76 तक जा सकते हैं आप। उसका जो क्या रॉक स्ट्रेंथ, रॉक स्ट्रेंथ 50% है जो वो उसका जो पैरामीटर के हिसाब से देखा था 50 तो ठीक है, और वाटर क्वांटम, वाटर क्वांटम 1.5 इंच है 2 इंच है, ये अपने क्या है 2 इंच से 2000 बोलेगा तो 1 इंच है, 4000 2 इंच है, 4000 के ऊपर है। वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी 52 है, नमकीन इधर जो एरिया के आसपास में नमकीन तो इधर उधर हो सकते हैं, ये थोड़ा नमकीन एरिया है इसलिए थोड़ा नमकीन रहता है, और परमेबिलिटी जितना पकड़ सकता है कैपेसिटी जितना रहना है वो 58% ये तो ठीक है। ये सब देखने का, ब्लू कलर शेड देखने का, वीनस देखने का, रॉक स्ट्रेंथ देखने का है, वाटर क्वांटम, क्वालिटी, सैलिनिटी, परमेबिलिटी, सब पैरामीटर हमने दिया है ना एक पैरामीटर उसी के हिसाब से आपको चेक करना था। पैरामीटर इसमें आएगा, मैं आपको भेजा था ना व्हाट्सएप में, ओके उसको इसको हाँ मैसेज मैच करने का, कंपेयर करने का। वाटर क्वांटम 3500 के ऊपर ही होना चाहिए, वाटर क्वालिटी 50% ऊपर होना चाहिए, सैलिनिटी 60 से कम होना चाहिए, ये परमेबिलिटी 65 से ऊपर होना चाहिए, ये सब चेक करने का, हर डेटा के ऊपर आप चेक करना।